सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ लक्षित, और आज हम आए एक नई जगह पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर ब्लॉग की तरह इस ब्लॉग में भी आज एक नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या प्यारी लोकेशन है, मतलब आप बादल देख सकते हैं और साथ में झील है और साथ में टेम्पल भी है। सो ये टेम्पल है कमरू नाग देवता का। इस मंदिर की स्थापना पांडवों के द्वारा हुई थी अज्ञातवास के काल में। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हम इस जगह पे आने के लिए हम कल रात 11 बजे निकले थे अपने घर से। बाकी हमें बस स्टैंड से बस लेते लेते मतलब बस हो गई थी लेट, हालांकि तो 12 बज गए थे बस को बस स्टैंड के पास पहुंचने में। सो 12 बजे हमने बस रिसीव करा, उसके बाद हम पहुंचे हैं यहाँ पे 2:30 बजे हमने स्टॉप लिया। उसके बाद हम 2:30 बजे नाइट ट्रैक करा हमने बंदों के साथ, मतलब फुल थ्रिल था भाई, मज़ा आ गया ट्रैक करने का कमरू नाग यहाँ तक आने के लिए। सो बाकी चढ़ाई थी बहुत सारी और पैचेस भी कुछ ऐसे थे कि कीचड़ वगैरह पैचेस थे। सो देवता के दर्शन करें, उसके बाद हमने ब्लॉग शुरू करा है। सुबह का टाइम है, मज़ा आएगा। बाकी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन है, कितने श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ से हम आगे जाएंगे कमरू नाग देवता के दर्शन करने के बाद, उसके बाद हम जाएंगे शिकारी देवी, वो भी एक माता का मंदिर है, शिकारी माता का मंदिर है। सो वो भी ट्रैक करके हम कंप्लीट करेंगे, निकलते हैं यहाँ से। बाकी यहाँ की स्टोरी मैं बता देता हूँ। कमरू नाग जो देवता हैं वो महाभारत के काल में खाटू श्याम, जिन्हें हम कृष्ण के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा मतलब कुछ रासलीला रची गई थी। मतलब जो हमारे नाग देवता हैं उनका सर धड़ से अलग करा गया था, मतलब उन्होंने अपनी सर को अर्पित किया था अपने श्री कृष्ण के सामने। तो श्री कृष्ण ने उनको एक आशीर्वाद दिया कि आप जब तक कलयुग हो या आने वाला युग हो, उस युग में आप हमेशा रहेंगे और आपको यहाँ के लोग पूछते रहेंगे, क्योंकि यहाँ के आसपास के लोगों के कुल देवता तो हैं ही। सो और बाकी श्रद्धालु तो दूर से आते ही अपनी मनोकामना पूरी करने। सो गाइस, जैसा कि आप झील देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पर, ये झील की भी एक स्टोरी है, इसकी भी अलग स्टोरी है। मतलब यहाँ पे जो झील है, उस झील के अंदर कई सारे स्वर्ण मुद्राएं हैं जो कि पांडवों के काल में थे। सो पांडवों ने अपनी धन संपत्ति इस देवता को समर्पित की थी। बोला गया था कि जब तक हम नहीं आते वापस, तब तक आपको इस सोना और स्वर्ण मुद्राओं को संभाल के रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं इस झील में, अपने साइड से अपने तरफ से मतलब कुछ दान दे जाते हैं। सो उस झील में कई सारे झील में मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे झील के ऊपर से तो दिखते भी हैं कुछ ना सिक्के वगैरह जो लोगों के द्वारा डाले गए हैं इस झील के अंदर। देख सकते हैं आप झील कितनी बड़ी है, कितनी लंबी झील है। कहा जाता है कि इस झील की रक्षा नाग देवता खुद स्वयं करते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि स्वर्ण मुद्राएं हैं। और सुना गया था कि काफ़ी साल पहले कि कुछ लोगों ने चोरी करने की भी कोशिश करी थी। सो उनके साथ गलत, उन्होंने गलत किया मंदिर के साथ, तो उनके साथ भी गलत हुआ। तो ऐसा ना करें, आप आते हो इस जगह पे, अपना दर्शन करो और दर्शन करके अपनी मनोकामना यहाँ व्यक्त करके उसके बाद चले जाओ बिना कुछ गंदगी करे। काफ़ी दूर से श्रद्धालु बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। जगह बहुत प्यारी है और मॉर्निंग की वाइब्स आप देख सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे आरती वगैरह शुरू हो जाती है यहाँ पे देवता के पास। श्रद्धालु तो रात में ही चले हुए थे ट्रैक करते करते हमारे साथ में, और हम भी चले हुए थे साथ में। मज़ा आ रहा था रात का ट्रैक आपको पता, अंधेरे में, और साथ में हमने एक टॉर्च रखा हुआ था जो कि एमरजेंसी के लिए रखा था। बाकी फोन लाइट जिंदाबाद भाई। ठंडी ठंडी बहुत है यहाँ पे। सो चिल्ड है मौसम यहाँ से ना, मज़ा आ रहा है। हमारे हाथ पैर सारे सुन्न पड़े हैं और पानी तो इतना ठंडा है ना, आप देखोगे ना तंग रह जाओगे, और फील करोगे तो फिर सुन्न हो जाएंगे आपके हाथ पैर भी ना। हाँ भाई, यो अच्छा से ट्रैक जैसे तरह ट्रैक कैसा लगा? ट्रैक बहुत ही अच्छा था, मेरे को तो हर बार इधर अलग ही एक्सपीरियंस करने। अरुण तो हर साल आता है, बस आज हर साल ही अलग ही लगता है मेरे को। लिया यार ये गलती से ही, और आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ से हम शिकारी देवी जाएंगे, और ये मेरे लिए और इसके लिए बिल्कुल नया ट्रैक होगा, वो तो नया ही है। सो गाइस, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप यहाँ पे रात में अगर पहुँचते हैं तो स्टे कर सकते हैं आप यहाँ पे। सराहना मिल जाता है, कम्बल वगैरह अवेलेबल करा देते हैं मंदिर वाले। और बाकी यहाँ पे मेला भी लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है हर साल जब दरबार खुल जाता है देवता का। सो बाकी यहाँ पे शॉप भी हैं, आप कुछ चीज़ें अगर खरीदना परचेज करना चाहो तो आप कर सकते हो इन शॉपों से, तस्वीरें वगैरह नाग देवता की, या फिर कुछ ऐसी एक्सेसरीज जो आपके यूजेस में आए। बाकी आप देख सकते हैं आप शॉप वगैरह लगी हुई हैं, काफ़ी सारे टेंट उंट में लगे हुए हैं शॉप ना। और सराहना उस साइड है जो कि लोग वहाँ से कैरी करते हैं कंबल वगैरह और माल लेते हैं। बाकी ऊपर घर भी हैं, होम स्टे वगैरह, वहाँ भी आप होम स्टे कर सकते हो। चलते हैं यहाँ से, थोड़े शॉर्ट्स देख लीजिए यहाँ का। सो लेट्स गो।
गाइस कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं हमारे इतने दूर खड़े हैं। सो गाइस फाइनली मंदिर से बाहर निकल चुके हैं, अब निकल रहे हैं कमरूनाग टेंपल से बाहर और उसके बाद हम चलते हैं शिकारी देवी टेंपल के ट्रैक पर। और बाय द वे मैं बता दूं कि हमारे साथ ट्रैक पर आज जो बंदे आए हैं वो 6 बंदों की टीम है अपनी, बाकी भाई हमारे हिमाचल से ही हैं, मैं बाहर से हूँ। ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। सो चलते हैं और ट्रैक का मज़ा लेते हैं और आपको भी ट्रैक का मज़ा दिलवाते हैं। लेट्स गो गाइस। सो गाइस देख सकते हैं आप कितने घने जंगलों में हम ट्रैक कर रहे हैं। सोचो ऐसी घने जंगलों से हम गुजरे थे रात में, इतना अंधेरा था ना पूछो मत, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था। बाकी 3-4 बजते ही थोड़ा मतलब उजाला सा लगा, तब जाके हमने फोन या अपने टॉर्च की लाइट क्लोज करी थी, उसके बाद तो हम बिना टॉर्च के ही आए। सो हरियाली देख सकते हो आप, ग्रीनरी कितनी प्यारी लग रही है और हल्की फुल्की सांस भी भूल गई है चढ़ाई में। सो चलते हैं आगे का भी दिखाते हैं। सो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जंगलों के बीच में कुछ शटर सा बना रखा है और साथ में ही देवता की कोई पूज्य मूर्ति बना रखी है, जिसे लोग मानते होंगे देवता, जिनकी पूजा करते होंगे। बाकी सुनसान वीरान जगह पे ये चीज बना रखी है, देख सकते हैं आप शटर। अभी तो पता नहीं और कितनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी इस जंगल में। सो आगे चलते हैं और भी चीजें दिखाते हैं जो हमें दिखेंगी। सो गाइस ये थी कुछ बाउंड्री कमरूनाग मंदिर के बाहर एंड बाउंड्री जिसे कहते हैं, और यहाँ से न्यू ट्रैक स्टार्ट होता है हमारा शिकारी माता मंदिर के लिए। सो आप देख सकते हैं क्या हसीन वादियों में क्या प्यारी जगह है भाई, क्या मस्त जगह है। बाकी अभी हमें उस वाले टॉप पे जाना है और वहाँ थोड़ा वेट करते हैं, चिल करते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करेंगे। पहले वहाँ तक पहुँचते हैं और आगे की यहाँ की भी लोकेशन आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस हमारे विक्की भाई आगे चले हुए हैं, इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया था मैं क्योंकि रात में मिले थे हम सारे भाई, तो अभी मिलवा देता हूँ हमारे विक्की भाई से। विक्की भाई वैसे रहते हैं उत्तराखंड में और रहने वाले हिमाचल के हैं ना भाई, तो विक्की भाई अपना शक्ल दिखाना भाई। विक्की भाई भाई को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। बाकी भाई यूट्यूब चलाते हैं? नहीं, यूट्यूब भी चलाते हैं भाई का, यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, गो एंड चेक आउट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और भाइयों दोस्तों मित्रों कैसे हो आप, कुछ कहना चाह रहे हो भाई? ये तो गुस्से में देख रहा, कहना कुछ नहीं चाह रहे मारे गौर। ठीक है मिलते हैं, बाय बाय। सो गाइस देख सकते हैं आप कि कितनी हाइट होएगी जिस जगह हम खड़े हैं इस टाइम पे, क्या प्यारी लोकेशन है भाइयों आप देख सकते हो। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी प्यारी लोकेशन है, कितनी अच्छी लोकेशन है, मज़ा आ रहा है भाई, दूसरे ही वाइब्स हैं यहाँ पे। और बाकी पहाड़ों पे बैठने का और इन्जॉय करने का अलग ही लेवल का मज़ा होता है भाई। और ट्रैक करने, यार ट्रैक करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सारे ट्रैक करने आया करो, वो भी देवी या देवताओं के या मंदिर तक जो ट्रैकिंग होती है उसे करा करो, क्योंकि दिनचर्या की आपकी जो टेंशन होती है वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं और बाकी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए। हाँ अमन, अमन आ रहे हैं मज़े ट्रैक के? तो क्या मज़े आ रहे हैं? सो आपने, आपको पता होगा कि मुरारी देवी के ब्लॉग में था अमन, सो अब की बार भी हमारे साथ है इस ब्लॉग में अमन। सो अब की बार हमने अमन, हमारी बाइक की स्थिति बहुत ख़राब थी है। सो गाइस बाइक की कंडीशन इतनी है नहीं थी कि हम यहाँ तक आ जाते बाइक से कमरूनाग के लिए। सो हमने बाइक सोचा कि बाइक नहीं लेके आते हैं, अब की बार हम बस में ट्रैवल करते हैं। बाकी आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करने ना भूलें द इंडियन आई। सो थोड़ा रेस्ट करते हैं उसके बाद चलते हैं आगे। लेट्स गो गाइस।
के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। सो गाइस, हमने थोड़ा रास्ता कवर कर लिया है, आधा तो नहीं कह सकते बट थोड़ा सा रास्ता कवर कर लिया है। बाकी अभी निकलेंगे थोड़ी देर में, वेट कर रहे हैं, अरुण रह गया पीछे। सो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे ठंड बढ़ती जा रही है और बाकी धीरे धीरे शाम होने वाली है काफ़ी। और बाकी यहाँ से निकलते हैं, आगे दिखाते हैं। और बाकी जन्नत आप देख ही सकते हो, कितनी प्यारी लोकेशन है, कितनी शांति है यहाँ पर, पीसफुल वाइब्स हैं। और बाकी हमारे पास सो गाइस कर दो है और बोल दो चैनल को सब्सक्राइब करना, जो पूरी वीडियो देखेगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आधे बंदे ऐसे करते हैं कि वीडियो पूरी देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना जरूर।